Again, assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. And today we are going to study the industrial chemistry. Industrial chemistry. आपका जो बोर्ड का सिलेबस है उसके मुताबिक इसमें तीन टॉपिक हैं. एक हमारे पास इसमें पॉलीमर है, दूसरा इसमें पेस्टिसाइड्स है और तीसरा इसमें पेट्रोकेमिकल्स. ये तीन टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है. तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं द वेरी फर्स्ट वन. सो दैट वन इज द पॉलीमराइजेशन. ओके, चूंकि ये पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बोर्ड के सिलेबस में है, तो हम इसे उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जिस तरह अपने बोर्ड के पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे. पॉलीमराइजेशन स्टूडेंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा मोनोमर का. यू माइट हैव स्टडीड द थिंग अबाउट द मोनोमर. ये मोनोमर कहते हैं स्मॉलर यूनिट. जब ये स्मॉलर यूनिट मिल जाते हैं तो इससे हमारे पास एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनता है. एंड द लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज पॉलीमर. एंड द प्रोसेस for the formation of the polymer is actually called as polymerization. So aap keh sakte hain ki when the small unit, small monomers combines together, they form a long chain structure. So the smaller unit are called as monomers and the larger units are called as polymers, and the process will be called as polymerization. Agar main aapko daily life se example dun, mujhe bataye aap logon ne protein ka naam sabne suna. प्रोटीन आपको पता है कि किस चीज़ से मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है. इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर है और प्रोटीन दरअसल क्या है? पॉलीमर. और स्टूडेंट, इस प्रोसेस से जिससे हमारे पास प्रोटीन बनता है इसे हम पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी. अब स्टूडेंट, मैं आपको एक और बता सकता हूँ कि अगर आपके पास स्मॉलर यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्मॉलर यूनिट, अगर स्मॉलर यूनिट जब मिल जाते हैं तो हमारे पास इससे ये लॉन्गर यूनिट बन जाता है. तो स्मॉलर यूनिट को मैं बात करता हूँ, ये आपके पास स्मॉलर है और ये लॉन्गर यूनिट जो है इसे कहा जाता है पॉलीमर. एंड द प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन. अब हम आगे चलते हैं टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. If we discuss about the types of polymerization, so there are two types of polymerization. The very first one is the addition polymerization. Addition polymerization. Okay. Now, the addition polymerization, kya hota hai? The type of polymerization is in which the unsaturated monomers combines and form long saturated polymer. So that type of polymerization is called as addition polymerization. और अगर मैंने कहा इसमें जो monomer होंगे वो क्या होंगे? Unsaturated. और इसमें जो polymer बनेगा वो क्या बनेगा? Saturated. तो ऐसी polymerization को क्या कहा जाता है? Addition polymerization. अगर मैं इसमें example आपको कराऊं तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर वन जो है, आप लोगों ने साहब का नाम सुना होगा, पॉलीइथीन. सारे कोई क्या नाम है? पॉलीइथीन. अब ये पॉलीइथीन क्या है? आपको पता है कि पॉली का मतलब क्या है? और इथीन का मतलब क्या होता है? सॉलिड. तो अगर आप इथीन लेते हैं, इथीन आप लोग जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन आप एन नंबर ऑफ इथीन लेते हैं,
यानी आपने ये एक ही थीम का मॉलिक्यूल लिया, फिर दूसरा इसी तरीके से, ये तीसरा इस तरीके से, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां. आप सुन रहे व्हाट विल हैपन, दे आर सब्जेक्टेड टू हाई टेंपरेचर. इसे हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर के साथ कंसिडर किया जाता है. और यहाँ पे जो कैटल से इस्तेमाल होता है वो TiCl4 यानी टिटेनियम क्लोराइड. सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, देन ओवर हियर ये वाले जो डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस टू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ओवर हियर. तो जी ये डबल बॉन्ड है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में. और फिर कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड. इस तरह ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरीके से ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा. इस टॉपिक को देखते हुए मुझे एक शेर याद आता है. कैसे है ये, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो आगे वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और वो आगे को दे रहा है, इसका चलता जा रहा है. फिर मुझे एक शेर याद आता है, वो कहता है कि मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, पूरा करे ऐसा चलता जा रहा है. तू चाहे जिसे, वो चाहे आपको याद है, जैसे कि आप देखें मैंने तुझे चाहा और तूने चाहा, और खुदा करे ऐसा चलता चाहे, तू चाहे जिसे और वो चाहे किसी और को. जैसे आपको एक लॉन्ग चेन हमारे पास मिल जाएगा. अब जब लॉन्ग चेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसा होगा, लॉन्ग चेन का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा. तो देखो अब जरा गौर से देखना, मेरे पास the double bond is converted into single bond. लेकिन किसी भी तो कोई चाहेगा, किसी भी तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा. तो मैं अटैच कर देता हूँ कि that is equal to यानी CH2 हो जाएगा. अब बताओ कि double bond किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, single bond. Very one clear and CH2. ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा and that is CH2. वो आगे and CH2 and CH2 and CH2 और CH2. इससे एक लंबी कड़ी बन जाएगी, एक लंबा चेन बन जाएगा शुरू से. ठीक है, तो ये लंबा चेन बन जाएगा. तो ये जो पॉलीमर है ये हमारे पास इथीन है, और इससे जो पॉलीमर बना है इसे नाम दिया जाता है पॉलीइथीन. राइट स्टूडेंट्स, अच्छा अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए. तो आप लिखने का तरीका जानते हैं तो आप में इथीन लेंगे, कितने इथीन लेंगे, एन नंबर लेंगे, क्या लेंगे, एन नंबर. तो आप इसको लिखने का तरीका ये है NCH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपने इसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और टिटेनियम क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन किया. अच्छा अब उससे पॉलीमर बन रहा है. अब आपने देखना है कि कौन से यूनिट रिपीट हो रहे हैं. अगर आप गौर से देखो ये यूनिट हमारे पास बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. तो आप एक काम करो, उस यूनिट को ऐसे लिख लो कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. आपने ऐसे लिख लिया और यहाँ पे क्या पुट कर लो, एवरी वन क्लियर. तो आप मुझे बताओ इसको क्या नाम देते हैं, इथीन, और इसको क्या नाम देते हैं, पॉलीइथीन. सारे बोल क्या बोलते हैं, पॉलीइथीन. और इस पॉलीमराइजेशन को अगर आप देखें तो मोनोमर अनसैचुरेटेड है, लेकिन इससे जो पॉलीमर बना है वो क्या बना है, सैचुरेटेड. तो ऐसी पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं, सारे डेफिनेशन पर गौर करो. मैंने क्या लिखा, अनसैचुरेटेड मोनोमर्स आर बॉन्ड्स एंड फॉर्म लॉन्ग सैचुरेटेड मोनोमर्स, सो दैट पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन. और ये पॉलीइथीन हमारी डेली लाइफ में आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, शुगर में इसको बैन कर दिया है. और ये पॉलीथीन बैग्स होते हैं जिसे हम पॉलीथीन बैग्स जो कहते हैं, जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, ये पॉलीइथीन है, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है. और ये बताओ कौन से पॉलीमर्स हैं, एडिशन पॉलीमर्स. मैं आपको एक और पॉलीमर की एग्जाम्पल देता हूँ, एंड इन अदर एग्जाम्पल इज द PVC. PVC क्या चीज़ है, PVC को कहा जाता है पॉली क्या था तो CH2 डबल बॉन्ड CH. तो इस चीज़ को नाम दिया जाता है विनाइल, क्या कहा जाता है, विनाइल. और अगर मैं एक काम करूँ इसके साथ क्लोरीन लगा दूँ, तो अगर लुक एट हियर CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CL, नाउ दे आर कॉल्ड एज विनाइल क्लोराइड.
double bond CHCl plus CH2 double bond CHCl plus CH2 double bond CH and Cl. Point away on it. मुझे बताएं इसका नाम आपने क्या रखा है? विनाइल क्लोराइड. अच्छा अब जब ये आपस में मिले तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन आगे कोई बात से शुरू हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन आगे और ये इलेक्ट्रॉन आगे और इससे एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनेगा. तो अगर उस पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाना हो तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड CH और फिर CH आगे किसके साथ CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CHCl. आगे बताओ क्या चीज है CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl. इस तरह आगे जाते जाओ तो हमारे पास पॉलीमर बन जाएगा. अब इसको लिखने का कैसा तरीका है? एनी हो आपने कितने विनाइल क्लोराइड लेने हैं? N विनाइल क्लोराइड आप लिए हैं. अब ये पॉलीमराइज हो जाएंगे. अब इसमें रिपीटिंग यूनिट देखें तो ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है. तो बताओ क्या हो रहा है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl. अब कितने रिपीटिंग यूनिट हो गए हैं? N. अब मुझे बताएं आपने इसको क्या नाम दिया? विनाइल क्लोराइड. और उस चीज को पॉलीमर बनेगा उसे नाम दिया जाता है पॉली विनाइल क्लोराइड. सारे बोलो क्या कहा जाता है? पॉलीमर. आप और मेरे से जानते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है. ये जो पीपीसी की जो पाइप्स वगैरह इससे हमारे पास जो पाइप्स वगैरह हैं जैसे प्लास्टिक से मिल बनते हैं वो हमारे पास पॉली विनाइल क्लोराइड बनते हैं. बोलो क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड. ये कौन सा पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर. कौन सा पॉलीमर है? एडिशन. देखो ये जो मोनोमर है वो अनसैचुरेटेड है लेकिन जो पॉलीमर बन रहे हैं वो क्या है? सैचुरेटेड. तो ये बात है. सो दिस पॉलीमराइजेशन करेस्पॉन्ड्स टू द एडिशन पॉलीमराइजेशन. इसके बाद जो दूसरा टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है सो दैट वन इज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. अच्छा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है? कंडेंसेशन का मतलब आप जानते हैं कहीं हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या बने? वाटर बने. क्या बने? वाटर. तो सर बहुत ठीक है. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं कि द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन व्हिच द मोनोमर्स कंबाइंस एंड फॉर्म लॉन्ग पॉलीमर. But along with polymer, keep in your mind, along with polymer, the small amount of water, the small amount of ammonia, and the small amount of alcohol is also obtained. So that type of polymerization is called as condensation. 2020 2019 अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है एंड दैट वन इज द नायलॉन 6 एक हमारे पास है स्ट्रक्चर लिखूंगा तो आप देखें हेक्सा मिथाइल कितने मिथाइल ग्रुप होने सिक्स. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इज CH2 होल 4 एंड CH2. और डायमीन का मतलब है कि इसमें दो अमीन ग्रुप होते हैं. अब दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हेक्सा मिथाइल डायमीन. सारे जाना पड़ो हेक्सा मिथाइल डायमीन. और दूसरी चीज जो हमारे पास मॉनोमर होता है that one is the adipic acid. मेरे साथ रिपीट करो कौन सा है? एडिपिक एसिड. अगर आप देखते हैं उसका देखें तो that one is the hexane dipoic acid. और मैंने क्या कहा? Hexane dipoic acid. अच्छा अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है. तो
इसका मतलब है कि इसमें दो कार्बन जरूरी ग्रुप है इसमें तो पहले एक कार्बन जरूरी ग्रुप लगाओ एच ओ सी डबल बॉन्ड को छह कार्बन बराबर करने हैं तो यहाँ पे सी एच टू होल फोर लिख लेता हूँ एन सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच तो जरा बोझ देखें इसमें छह कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं दो इसे नाम किया गया कर दिया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक मोनोमर कौन सा है ऐसा है और दूसरा मोनोमर कौन सा है अभी कंबाइन करते हैं चलो कंबाइन करेंगे यहाँ पे लिखते हैं आप जरा यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन सबसे पहले मैं हेक्सामिथाइलमीन लिखता हूँ अगर आपको एतराज ना हो तो मैं NH2 को ऐसे लिख सकता हूँ H NH और फिर CH2 NCH2 होल फोर NCH2 और फिर दोबारा इसमें अमीन आएगा उसको भी ऐसे लिखूंगा NH एंड H फिर एडिपिक एसिड की वाली है दैट इज HO C डबल बॉन्ड O NCH2 होल फोर एंड C डबल बॉन्ड O और OH फिर हेक्सामिथाइलमीन आएगा यानी प्लस H NH and CH2 and CH2 whole 4 and CH2 or NH or H और फिर इसके बाद दोबारा क्या चीज आएगी एडिपिक एसिड आएगा अगेन एडिपिक एसिड आएगा तो एडिपिक एसिड को दोबारा लिख सकता हूँ प्लस एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच टू होल फोर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच फिर हेक्सामिथाइलमीन फिर एडिपिक एसिड फिर हेक्सामिथाइलमीन और फिर एडिपिक एसिड यानी एक के बाद दूसरा आ जाएगा अब क्या होगा जब आप इनको रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट सर्टेन कंडीशन पे तो अब जरा बोर्ड देखिएगा हेक्सामिथाइलमीन का जो हाइड्रोजन है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ एच है ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे इस तरीके से ये ओ एच और एच आपस में रिएक्शन करके क्वार्टर और ये एच और ओ एच आपस में रिएक्शन करके क्वार्टर और इस तरीके से ये ओ एच और अगला एच आपस में रिएक्शन करके क्वार्टर और इस तरीके से ये एच अगला ओ एच के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा क्वार्टर क्या आप इससे पॉलीमर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट तो आप मुझे बताएं इससे पॉलीमर जो बनेगा वो क्या होगा जल्दी से बताओ यहाँ भी क्या लिखूंगा आगे बोलो CH2 होल फोर NCH2 और NH NH है क्या अच्छा आप मुझे बताओ NH के बाद हमारे पास क्या है C डबल बॉन्ड O अभी वो क्या है NCH2 and hold for C डबल बॉन्ड O OH और H में ये वाटर बना देगा एंड फिर आप कह सकते हैं NH और फिर CH2 फिर CH2 होल फोर NCH2 और फिर NH और फिर ये वाटर C double bond O of NCH2 whole 4 and C double bond O. Everyone clear? अच्छा पहले मुझे बताएं इसका नाम क्या था? Hexamethylamine diamine. और बताओ ये क्या चीज था? Adipic acid. ये monomer थे और इनसे ये polymer बनेगा. And this polymer is actually called as nylon 6-6. सारे बोल क्या बोलेंगे? Nylon 6-6. अब मुझे पता है इसे 662 का बनाया है अगर आप देखें तो हेक्सामिथाइलीन में भी कितने कार्बन हैं 6 और एडिपिक एसिड में भी कितने कार्बन हैं 6 सो दैट इज व्हाई द कार्बन इज नायलॉन 6 नंबर ओके अच्छा मुझे बताओ कि इस पॉलीमर के साथ साथ और कुछ चीज बनी हुई ओएच ओएच में क्या बना देगा वाटर मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि वो पॉलीमर जिसमें पॉलीमर के साथ साथ क्या क्या बने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर स्मॉल अमाउंट ऑफ और स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल ऐसी पॉलीमराइजेशन को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है पॉलीमराइजेशन ठीक है अब मुझे बात बताएं इसमें जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है अगर आप देखें ये जो बॉन्ड हेक्सामिथाइलमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान ये जो बॉन्ड बड़ा है ये आप लोगों ने बायो में कहीं पर पढ़ा होगा या तो प्रोटीन्स में पढ़ा होगा प्रोटीन्स में और प्रोटीन में जो लिंकेज होती है And this linkage is also called as peptide linkage. पढ़ा है आप लोगों ने? या देखो अगर कोई आपसे पूछे कि नाइलॉन 6-6 में और प्रोटीन में क्या कोई कॉमन चीज है? कॉमन है यस. और वो कौन सी लिंकेज है? Peptide linkage. कौन सी लिंकेज है? Peptide linkage. Do you want it? So student, this is the common between them. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ. बताओ जो नाइलॉन बना है, वो सारे सेम काइंड ऑफ मोनोमर से बना है. Different kind of monomers. Difference. So nylon 6-6 is made up of two types of
two types of monomers. Two types of the monomer. तो याद रखो ऐसे पॉलीमर जो दो किस्म के मॉनोमर से मिलकर बने उन्हें नाम दिया जाता है को पॉलीमर. सारे पढ़ो क्या बोलते हैं को पॉलीमर. द पॉलीमर व्हिच इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉनोमर्स सो दैट वन विल बी कॉल्ड एज को पॉलीमर. और मुझे बताओ कि हमारे पास जो मैंने बाकी जो एग्जांपल डिस्कस किए हैं पॉली मेरानी क्लोराइड बोलो क्या क्या है पॉलीमर वो सारे एक ही हमारे पास एक ही किस्म के मॉनोमर से बने हैं. They are called as homopolymer. बोलो क्या कहा जाता है? Homopolymer. That is made up of same kind of polymer. That is made up of different types of polymers. Everyone clear? Yes. This is all about the polymerization. Everyone clear? आज हमने तीन polymer पढ़े. एक polyethylene पढ़ा है. Yes. दूसरा PVC पढ़ा है. और तीसरा nylon 66 पढ़ा है. लेकिन इनको क्या किया है? कि पहले दो addition polymers हैं. और बाकी दो कौन सा है? एक होमो पॉलीमर है और दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है को पॉलीमर है. प्रोसेस इज एन वी कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. इसके बाद फाइनल नेक्स्ट टॉपिक है दैट वन इज द पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स किसे कहते हैं? व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? सो मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं दिस इज वेरी इजी. Pesticides. Okay. The chemicals, children, you can say that the chemicals which controls pests. The chemical which controls pests are called as pesticides. वो chemical जो pest को control करे, उन्हें pesticide कहा जाता है. अब आप पूछोगे सर pest किसे कहते हैं? The pest may be insects. मच्छरों को कंट्रोल करना. The pest may be mollusk. Mollusk जानते हैं सर? अगर जो snails वगैरह होते हैं. The pest may be, you can say that अगर आप पास pest देखें तो unwanted plant. अक्सर अगर आप लोग गूगल डालो गांव वगैरह से है तो आप ये वगैरह ऐसे जो चीजें जो इन चीजों को कंट्रोल करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पेस्टिसाइड्स. अच्छा द पेस्ट मेनली जर्म्स. जर्म्स भी हो सकते हैं. आप लोग हाँ बोलते हैं दैट इज टू किल द मिलेंसेस दैट मेलेरिया बैक्टीरिया और इस वजह से मिलेगा ये तमाम चीजें हैं. अच्छा इसका मतलब ये है कि पेस्टिसाइड सिर्फ एक नहीं होता. पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो डिफरेंट चीजों को कंट्रोल करें. किस किस को कंट्रोल करें? इंसेक्ट्स को, मोलस्क को, आम मार्केट प्लांट को, फंगस को, जर्म्स को. राइट स्टूडेंट? इन सारों को क्या कहा जाता है? पेस्टिसाइड्स कहा जाता है. अगर मैं पेस्टिसाइड्स को क्लासिफाई करूँ तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन मैं लिखता हूँ इंसेक्टिसाइड्स. सारे पढ़ो मैंने क्या कहा? इंसेक्टिसाइड्स. वो केमिकल्स विच किल्स द इंसेक्ट्स. जो इंसेक्ट्स को किल करे उसे इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है. हम लोग घरों में मॉर्टिन स्प्रे लग करते हैं. मुझे बताओ मॉर्टिन स्प्रे किसके रखते हैं? वो डालते हैं जो इंसेक्ट्स हों, चाहे जो मच्छर हो या जो इस तरह की चीज़ें हों उनको किल कर सकें. सो दैट वन इज कॉल्ड एज इंसेक्टिसाइड. राइट स्टूडेंट? अब इंसेक्टिसाइड्स में जो हमारे पास एग्जाम्पल जो आपकी बुक में मौजूद है वो हमारे पास है DDT. इसके बारे में डिस्कशन किया गया. सबसे पहले डीडीटी का मतलब क्या है? व्हाट डज डीडीटी स्टैंड्स फॉर? इट इज डाई क्लोरो डाई फिनाइल. सारे बोलो क्या चीज है? डाई क्लोरो डाई फिनाइल. एंड दैट इज ट्राई क्लोरो इथेन. द डीडीटी स्टैंड्स फॉर डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन. अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ आपको. पहले मुझे बताओ नाम के आखिर में क्या है? ठीक है,
एक आप ड्रॉ करोगे तो फिर इसमें दो फिनाइल अटैच करोगे, तो एक फिनाइल यहाँ पे आप अटैच कर लो सही है, और एक फिनाइल आप यहाँ पे अटैच कर लो, ये दो फिनाइल हो गए। लेकिन इस फिनाइल में क्लोरीन अटैच है पैरा पोजिशन पे, तो यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दो और यहाँ पे भी क्लोरीन, तो प्रॉब्लम क्या लेता है ये हो गया। अच्छा अब आगे मैंने क्या लिखा है, ट्राइक्लोरो, इस कार्बन के साथ तीन क्लोरीन लगा दो, दैट इज ट्राइक्लोरो और दैट वन विल बी द मीथेन। अगर आप वैलेंसी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी कम है, यहाँ पे क्या लगा लो हाइड्रोजन, वेरी वन के सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज डीएनडीटी। सारे कौन से नाम दे रहा है, ट्राइक्लोरो, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो, मीथेन। और याद रखो डीडीटी हमारे पास पेस्टिसाइड तो है, खास तौर पर ये कौन सी चीज है, इंसेक्टिसाइड्स, और इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर टू में हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू में, जिसमें हमारे पास मॉस्किटो वाज अ प्रॉब्लम। अच्छा पता है वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था, क्या वेपन इस्तेमाल किए गए थे, ये मॉस्किटो जो चूहे एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर कर सकते थे, चूहे यानी कैट लाइस। तो स्टूडेंट अगर आप अक्सर में ज़्यादा चूहे भी हो जाए वो भी आपको काबिल कर सकती है। आजकल जो कोल्ड वॉर चल रही है इस पूरे दुनिया में, कोल्ड वॉर यानी केमिकल वेपन्स हो रहा है, जैसे आपने कोरोना वायरस को देख लिया है, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन एनी हाउ दिस इज अमेरिका क्लेम कर रहा है कि दिस आर द कोल्ड वॉर जो एक दूसरे के साथ चल रहा है। कहा जाता है हमारे पाकिस्तान में इंडिया से ट्रकों के टायर में जो है वो मॉस्किटो भर के आते हैं, आप लोगों ने वो डेंगू वायरस का नाम सुना होगा डेंगू, तो ये भी कहा जाता है कि दिस इज आल्सो ब्रॉट फ्रॉम द इंडिया, और जो ट्रकों के टायर हैं उसमें आता है और फिर पाकिस्तान में लाहौर में आके वो बहुत जल्द, तो ये भी एक किस्म का वॉर है। तो फिर वर्ल्ड वॉर टू में इसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसी दौरान फिर हमारे पास एक इंसेक्टिसाइड बनाया गया, और वो कौन सा इंसेक्टिसाइड था, डीडीटी। आप बोलो व्हाट डज डीडीटी स्टैंड फॉर, इंसेक्ट को किल करना आसान है, फॉलो करके कोई भी केमिकल वो बड़ा आसान काम है, ट्रीट करो केमिकल, ट्रीट करो इंसेक्ट से जिससे बच्चे वो इफेक्टिव है। लेकिन पता है मसला क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये होता है कि किल करने के बाद जो केमिकल उसने किल किया है अब वो केमिकल कितना नुकसानदेह है, वो केमिकल डिकम्पोज होता है या नहीं। अगर वो केमिकल जो आपने इस्तेमाल किया है आपने इस्तेमाल किया और वो डिकम्पोज हो गया जो चीजें उगी हुई है वो डेफिनेटली जानवर खाएंगे, और जानवर को हम खाएंगे, तो डेफिनेटली एक फूड केस एक फूड चेन के जरिए वो हमारे फैटी टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, और फैटी टिश्यू में डिपॉजिट होने के बाद इट मे कॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर आप अपने घरों में या अगर किसी खेत में या किसी इलाके में डीडीटी का स्प्रे करते हो, तो ये डीडीटी जो कंपाउंड है ये इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ वो 15 to 16 years है। 15 to 16 years का मतलब ये है कि जितना आपने इस्तेमाल किया है उसका सिर्फ आधा जो है वो 15 to 16 साल में डिकम्पोज होगा। कितने साल में डिकम्पोज होगा, 15 to 16। तो बताओ क्या ये हमारे पास अच्छा केमिकल है, सिर्फ दूसरी बात ये है कि अगर वो केमिकल वाटर में सॉल्व हो तो थोड़ा सा मसला हल होता है, जगह आपने स्प्रे करके पानी से धो गया ठीक है, लेकिन डीडीटी का मसला ये था ये कंपाउंड वाटर में सॉल्व है, ये कंपाउंड वाटर में क्या है सॉल्व है, तो अभी पानी से रिमूव भी नहीं होता, फैट्स में डिपॉजिट होता है, मतलब इसकी ये नॉन पोलर है, क्या चीज़ है नॉन पोलर, इसकी सॉल्युबिलिटी फैट्स वगैरह में ज़्यादा थी, इसलिए फिर इसके बाद आजकल इसको बैन कर दिया गया है और कोई भी इसे नहीं इस्तेमाल करता। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड आजकल इस्तेमाल होते हैं, तो उन इंसेक्टिसाइड्स में हमारे पास एक है जिसे नाम दिया जाता है Molluscosides. क्या होता है, आप कह सकते हैं
आपने फाइलम उसमें हमारे पास कौन सी चीज आ जाती है स्नेल्स की जो है वो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करती है स्नेल को कल्टी करने के लिए जो पेस्टिसाइड हमारे पास इस्तेमाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं मोलस्किसाइड्स क्या बोलते हैं मोलस्किसाइड्स अच्छा मोलस्किसाइड के बाद तीसरा हमारे पास जो है दैट वन इज द अनवांटेड प्लांट सो दैट वन इज कॉल्ड एज हर्बिसाइड्स दैट इज इट हर्बिसाइड्स द केमिकल्स व्हिच किल्स द अनवांटेड हर्ब्स अनवांटेड हर्ब्स अनवांटेड प्लांट को किल करे उन्हें जल्दी क्या कहा जाता है हर्बिसाइड्स कहा जाता है इसी तरीके से अगर फोर्थ वन हम देखें इफ आई मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फोर्थ वन सो दैट इज फंगस तो फंगस को किल करने के लिए हमारे पास क्या चीज होता है फंगिसाइड्स और इसी तरीके से जो लास्ट चीज है वो क्या चीज है जर्म्स जर्म्स को किल करने के लिए हमारे पास क्या चीज होता है जर्मिसाइड्स एवरीवन से तो ये सारे के सारे एक्चुअली क्या है पेस्टिसाइड्स तो बताओ पेस्टिसाइड्स को कौन से हो सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स मोलस्किसाइड्स हर्बिसाइड्स हर्बिसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स तो आपकी कोर्स में वो सिर्फ और सिर्फ एक है और वो क्या है इंसेक्टिसाइड्स और उसमें कौन सी चीज हमारे पास स्पेशली है दोबारा बोलता हूँ डस डीडीटी स्टैंड्स फॉर इस इथेन को
हम कन्वर्ट करते हैं इथीन में, किसमें कन्वर्ट करते हैं इथीन में, देयर आर द प्रोसेस एज आई डिस्कशन ही करना चाह रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मुझे बताओ तुमने इथेन को किसमें कन्वर्ट किया, इथीन में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे बताओ इस इथीन को तुमने पॉलीमराइज किया, इस इथीन को क्या किया पॉलीमराइज, आज हमने पॉलीमराइज किया और इसकी पॉलीमर से हमारे पास क्या बना पॉली इथीन। तो अब मुझे बताओ ये पॉली इथीन हमारे पास कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, पेट्रोलियम से। इस पॉली इथीन को आप जनरली क्या कहोगे, पेट्रोकेमिकल्स, क्या कहोगे पेट्रोकेमिकल्स। तो समझ आ गया, कंपाउंड्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम द पेट्रोलियम एस पेट्रोकेमिकल। आजकल ज्यादातर जो कंपाउंड इस्तेमाल हुए हैं, ज्यादातर जो चीजें ऑब्टेन हुई हैं वो दरअसल कहाँ से ऑब्टेन हुई है, पेट्रोलियम से। कहाँ से ऑब्टेन हुई है, पेट्रोलियम से। इसलिए उनको क्या नाम दिया जाता है, Polymers, the pesticides, and the petrochemicals. Thank you very much.